सो गाइज, इजी पे का न्यू अपडेट आ चुका है। अभी आप अपडेटेड ऐप को हम लोगों का टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर से टेलीग्राम में हम लोगों का ज्वाइन हो जाइए और इजी पे का न्यू वर्जन का ऐप वहां पर से आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में भी कुछ टाइम में लाइव हो जाएगा, आप वहां पर से भी कर सकते हैं। जैसे ही अपडेटेड इजी पे ऐप को डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं, सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप डन में क्लिक करते हैं तो आपको लॉग इन करने बोलेगा। आईडी पासवर्ड देके जब भी आप लॉगिन करते हैं, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यहाँ पर रीसेंट ओटीपी भी आप कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले ऊपर आपके सिटी का नाम रहेगा, नीचे आपको ब्लॉक को सेलेक्ट करने बोलेगा। तो सिंपली आप सेलेक्ट टाउन में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर से आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इस लिस्ट में आपको आपका ब्लॉक का नाम ना मिले तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, आई एम अनेबल टू फाइंड माई तालुक तहसील टाउन फॉर्म लिस्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको अपना ब्लॉक का नाम मैनुअली यहाँ पर एंटर कर देना है, कुछ इस तरीके से। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर मैनुअली आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट करते ही होम डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का आ जाएगा। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। अगर आप ये एप्लीकेशन आपको अगर नहीं मिलता है प्ले स्टोर में, तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ टाइम में यहाँ पर प्ले स्टोर में भी आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, कुछ टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर में भी। अगर आप जल्दी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम लोगों का टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहला अपडेट की हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, बिजली का बिल पेमेंट में। सिंपली आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पर देखिए यूजिंग BBPS, जो कि ये पहले से चला आ रहा है ये ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है यूजिंग बिल पेमेंट, यहाँ पर से भी अभी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले से ही ऐड है, ये दूसरा अभी ऐड किया गया है। अब इसमें से अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको 0.50% का कमीशन यूजिंग बिल पेमेंट से अगर आप पे करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा। अब यूजिंग बिल पेमेंट से आप उसी का बिल पेमेंट कर सकते हैं जिसका बिल पेमेंट में मात्र 2 दिन बचे हैं। 2 दिन जिनके भी बिल पेमेंट में बचे हैं उनका ही बिल पेमेंट आप यूजिंग बिल पेमेंट वाले ऑप्शन में जा करके कर सकते हैं। ये गया सबसे पहला अपडेट। अब नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर यह है कि मूव टू बैंक का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मूव टू बैंक का जितना भी प्रॉब्लम था सब कुछ को यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। हम लोगों ने जितना सारा रिपोर्ट किया था मूव टू बैंक से रिगार्डिंग, जो भी आप सब बोले थे वो सब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। पूरा न्यू यहाँ पर सिस्टम बना दिया गया है। तो अभी आप यहाँ पर मूव टू बैंक 2 वाले ऑप्शन में जब भी जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो कि पूरा नया है। यहाँ पर देखिए पूरा नया इंटरफेस यहाँ पर बनाया गया है मूव टू बैंक 2 वाले ऑप्शन में। अब मूव टू बैंक 2 में बैंक अकाउंट ऐड करना बहुत ही आसान है। अब कई रिटेलर हम लोगों को बोल रहे थे कि मूव टू बैंक 2 में क्या हम लोग करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों का बिजनेस का नेम है, जिसमें हम लोगों का शॉप का नेम है। तो अभी आप मूव टू बैंक 2 में बिजनेस का अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके करंट अकाउंट में जो बिजनेस नाम रहता है या फिर शॉप का नाम रहता है, वो बैंक अकाउंट भी अभी आप मूव टू बैंक 2 वाले ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। और भी कई सारा ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब अगर आपको मूव टू बैंक 2 वाले ऑप्शन में बैंक अकाउंट ऐड करना है, सिंपली आप मैनेज बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड न्यू बैंक। उससे पहले आपको बता दूं, मूव टू बैंक 2 वाले ऑप्शन में आप मैक्सिमम 10 बैंक अकाउंट को एक साथ ऐड करके रख सकते हैं। तो सिंपली ऐड न्यू बैंक अकाउंट में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहां से सारा डिटेल्स को एंटर कीजिए और यहां पर आप कैंसिल चेक, बैंक पासबुक या फिर स्टेटमेंट, ये तीनों में से किसी भी एक को अपलोड करके जैसे ही रिक्वेस्ट आप सबमिट करते हैं विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे या फिर उससे पहले ही आपका बैंक अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और ये बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जितना भी आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे मूव टू बैंक 2 वाले ऑप्शन में, वो सारा बैंक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उस बैंक अकाउंट में भी अभी आप मूव टू बैंक बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो है ना अमेजिंग अपडेट। मूव टू बैंक 1 में जो बैंक अकाउंट आपका पहले से ऐड था वो ऐड रहेगा, अभी आप मूव टू बैंक 2 में खुद से ऐड कर सकते हैं और इसमें पूरा सिस्टम को नया बना दिया गया है। आप एक बार चेक कर लीजिए ऐप को डाउनलोड करके। ये गया दूसरा अपडेट। अब हम लोग तीसरे अपडेट के ऊपर बात करते हैं। तीसरा अपडेट है यहाँ पर इजी खाते के ऊपर में।
इजी खाता हम लोगों ने आपको जानकारी दिया था कि इजी खाता पहले येस बैंक से चल रहा था, बट आप सबको पता होगा जब भी हम लोग क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट ज़्यादा पेंडिंग में जाने के कारण अभी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब येस बैंक का सर्वर को हटा करके अभी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर कर दिया गया है। अभी आप क्यूआर कोड से जितने भी पेमेंट रिसीव करेंगे वो आईसीआईसीआई बैंक से चलेगा। तो सिंपली आप यहां पर क्यूआर कोड में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए बिल्कुल नया यहां पर इंटरफेस बनाया गया है क्यूआर कोड के लिए। जितने लोगों का इजी खाता सर्विस हम लोगों ने एक्टिव किया है या फिर कहीं और से आप एक्टिव कराए हैं वो इजी खाता में अभी आप देखिए आपको क्यूआर कोड कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरफेस देखने को लग रहा है। यहाँ पर क्यूआर कोड यहाँ पर मिडिल में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बार ऐप को डाउनलोड करके देख लीजिए। तो ये यहाँ पर क्यूआर कोड से आप अभी पेमेंट मत लीजिए, मंडे से आप ये क्यूआर कोड से पेमेंट ले सकते हैं। और जो भी आप पेमेंट लेते हैं आप सभी को पता होगा कि ये सारा पेमेंट इजी खाता का वॉलेट में आ जाता है, इजी खाता अकाउंट में आ जाता है। अब इजी खाता अकाउंट से आप अगर इजी पे वॉलेट में मूव करते हैं पैसा तो अभी आप मैक्सिमम एक दिन में इजी खाता अकाउंट से इजी पे वॉलेट में 10,000 ही आप इजी खाता अकाउंट से इजी पे वॉलेट में मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपके एरिया में डीएफ या फिर बीएलएफ है तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके आप ये लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी का इजी खाता में जितना भी पैसा रहेगा वो पैसा को आप मूव टू बैंक वन का यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो ये गया इजी खाता का अपडेट। अभी जितने सारे लोगों का इजी खाता एक्टिवेट था वो एक्टिव हो चुका है, अभी आप देख लीजिए ऐप को डाउनलोड करके हम लोगों का टेलीग्राम में ऐप दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर अगर आप इजी खाता को अभी एक्टिव कराना चाहते हैं, अगर आप क्यूआर कोड को एक्टिव कराना चाहते हैं तो अभी से आप इजी खाता एक्टिव करा सकते हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर चलने वाला है। जितने सारे हम लोगों का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, इजी खाता एक्टिव स्टार्ट हम लोग कर देंगे। तो आपको अगर इजी खाता एक्टिव करना है, क्यूआर कोड एक्टिव करना है तो हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इजी खाता का मैंने आपको क्यूआर कोड दिखा दिया। अब इजी खाता वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटलमेंट का। जैसे ही आप सेटलमेंट में क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले सेटलमेंट इन वॉलेट, अगर इसमें क्लिक करते हैं तो आपका इजी खाता का बैलेंस वॉलेट में चला जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हैं तो सेटलमेंट इन बैंक अकाउंट, मूव टू बैंक वन में जो भी आपका बैंक अकाउंट ऐड रहेगा उस बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शन से। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बाद नेक्स्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर एईपी से जो हम लोग विड्रॉल करते थे वो विड्रॉल करते टाइम जो साउंड नोटिफिकेशन आता है जिसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जो एईपी में साउंड आता है विड्रॉल करने के बाद, तो वो साउंड में भी कुछ सुधार किया गया है। उसका साउंड क्वालिटी भी अभी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में आकर के आप अपना यहाँ पर नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या फिर बंगाली कर सकते हैं। तो इसको भी ठीक किया गया है, अच्छा क्वालिटी किया गया है। तो यही कुछ अपडेट यहाँ पर किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा, एक दो वीक में और भी अपडेट आएगा, NSDL वगैरह का और भी कुछ नए सर्विस इसमें ऐड किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल तक यही अपडेट है। फर्स्ट जानकारी पाने के लिए आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, और ये ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल में हम लोगों का दिया हुआ है ऐप, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजीपे का न्यू वर्जन का ऐप। तो यही था अपडेट इस वीडियो से रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट जाता है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर हम लोगों को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ईजीपे का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर बीएलएफ कुछ भी चाहिए तो हम लोगों के साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।